नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं हूं एकेश राजवीर, आपका अन अकेडमी और YouTube एजुकेटर। आज की क्लास में दोस्तों मेरे पास होंगे कुछ बुलेट पॉइंट्स जिन पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। दोस्तों आज के क्लास में ये बेसिकली जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, ये टॉपिक देख सकते हैं, दिस इज प्री रैफलाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक के बारे में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फेमिनिज्म पर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट पर बात करेंगे। साथ में दोस्तों हमारे पास एक थर्ड टॉपिक है, दिस इज ट्रांसलिटरेशन वर्सेस ट्रांसलेशन पर बात करेंगे। एंड देन सेकंड कमिंग, दोस्तों ये पोयम है बहुत ही बेहतर डब्ल्यू बी येट्स की, सेकंड कमिंग। तो दोस्तों इसकी जायर थियरी जो है उस पर बात करेंगे। और दोस्तों फिर सबसे एंड में हम बात करेंगे ओलिवर गोल्ड स्मिथ और जॉर्ज क्रैप के बारे में, जो दोस्तों प्री रोमांटिक पोएट्स थे, तो इनके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूं कि मेरी जो 500 बेस्ट क्वेश्चन सीरीज है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चल रही है। दोस्तों आप अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप हमसे जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। डेली दोस्तों क्लासेस होती है, कल क्लास होगी हमारी 4 to 5 PM, यानी कल यानी कि 21st of March। तो दोस्तों कल आपको क्लास मिल जाएगी आपको 4 से 5 के बीच में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इस टॉपिक को हम एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों प्री रैफलाइट पोएट्री, दोस्तों जब हम इस प्री रैफलाइट पोएट्री की बात करते हैं, सो प्री रैफलाइट दोस्तों प्री यानी कि बिफोर एंड राफेल, सो दोस्तों राफेल वॉज अ पेंटर। तो दोस्तों प्री रैफलाइट पोएट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे साथ आता है एक ईयर 1848 का। तो दोस्तों ये जो प्री रैफलाइट पोएट्री स्कूल ऑफ पोएट्री 1848 के टाइम पीरियड में दोस्तों इसे क्वाइन किया गया था। एक दोस्तों जर्नल था जो इससे एसोसिएटेड है और नेम है उस जर्नल का द जर्म, दिस इज द जर्नल दोस्तों जो प्री रैफलाइट पोएट्री के साथ एसोसिएटेड है। दोस्तों साथ में अगर यहां पर आप देखें सो डी जी रोसिटी का नाम आता है हमारे प्री रैफलाइट पोएट्री में। और दोस्तों गोबलिन मार्केट ये काफी बेहतर पोयम है और इसको लिखा है क्रिस्टीना रोसिटी ने। जो दोस्तों क्रिस्टीना रोसिटी हैं वो डी जी रोसिटी की सिस्टर। दोस्तों डी जी रोसिटी के साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डी जी रोसिटी। सो दोस्तों जब हम इसके कंप्लीट नाम को समझने की कोशिश करते हैं, डी सबसे पहले डी एंड देन जी एंड देन आर ओ यस आर ओ डबल एस ई डबल टी आई रोसिटी। सो दोस्तों इस डी का मतलब है डी ए एन टी ई दांते एंड जी का मतलब है जी ए बी आर आई ए एल गैब्रियल। तो दोस्तों कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हु हैटेड हिज मिडिल नेम। सो दोस्तों डी जी जो गैब्रियल नेम था, मिडिल नेम डी जी रोसिटी का, दांते गैब्रियल रोसिटी का, सो इससे उन्हें हेट थी। दोस्तों जो गोब्लिन मार्केट पोएम है तो ये एक स्टोरी है दो सिस्टर्स की, लॉरा एंड लिजी की, एंड वन ऑफ द बेस्ट पोएम जो प्री रैफलाइट पोएट्री में थी। साथ में दोस्तों अगर आप इस पोएम को देखें, ये जो पोएम है वैसे फीचर के अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया था कि ये चिल्ड्रन होगी पोएम, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये चिल्ड्रन पोएम नहीं है बिकॉज इसमें सेक्सुअल इमेजरीज एंड ऑल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक और दोस्तों इंपॉर्टेंट पोएम है प्री रैफलाइट पोएट्री की और वो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो दोस्तों पोएम है जिसका नाम है जो काफी बेहतर तरीके से कई बार आपके एग्जाम में भी इवन एक्सप्लोर की गई, ब्लेस्ड डेमोजिन काफी इंपॉर्टेंट पोएम है। नेक्स्ट टॉपिक जिस पर दोस्तों हमें बात करना है ये है फेमिनिज्म। टर्म फेमिनिज्म को क्वाइन किसने किया टर्म, तो दोस्तों ये एलिस वॉकर ने सबसे पहले इस टर्म को क्वाइन किया और बात किया था फेमिनिज्म पर। दोस्तों इनका एक वर्क है फेमिनिज्म इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लैवेंडर, एलिस वॉकर, रियली वन ऑफ द बेस्ट वर्क। और दोस्तों अगर देखा जाए जो फेमिनिज्म का फेमिनिज्म क्रिटिसिज्म है वो भी इन्हीं के साथ एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। नेक्स्ट वन टॉपिक दोस्तों मैं आपके साथ बात करूंगा ट्रांसलेशन वर्सेस ट्रांसलिटरेशन। सो दोस्तों ट्रांसलेशन और वर्सेस ट्रांसलिटरेशन क्या है, सो दोस्तों जैसे देखें ट्रांसलिटरेशन बाय साउंड और यू कैन से लेटर, फॉर एग्जांपल अल्लाह, एंड देन ट्रांसलेशन सो बाय मीनिंग गॉड, अल्लाह मतलब इट मींस गॉड। सो दोस्तों आप अगर आप देखें कि अरेबिक और इंग्लिश, तो दोस्तों जो ये ट्रांसलिटरेशन है सो दिस इज अरेबिक
and then you can say translation, that is English. So Allah is equal to God. So this is a major difference. When we write a piece of discourse from one script into another, it is called transliteration. Jab one ek script ko dusri mein likha jata hai, that is known as transliteration. Okay. नेक्स्ट वन दोस्तों जिस पर हमें बात करनी है, दिस इज जायर थियरी, और यू कैन से थियरी ऑफ जायर. सो दोस्तों जो थियरी ऑफ जायर है, जो एक बुक थी 1925 के टाइम पीरियड में. सो दोस्तों ये जो थियरी ऑफ जायर है, अविजन नाम की बुक में आपको देखने को मिलती है, और इस थियरी को दोस्तों डेवलप किया था WB Yeats, यानी कि विलियम बटलर येट्स ने इसे डेवलप किया था. और उनकी काफी इंपॉर्टेंट पोएम है दोस्तों सेकेंड कमिंग. सेकेंड कमिंग में इस जायर थियरी का यूज आप देख सकते हैं. थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर अनार्की लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड. और इवन दोस्तों कि ये जो HB ने भी इस एग्जैक्टली थियरी ऑफ जायर को अगर आप देखा जाए तो HB ने भी चिन्हवा HB ने भी इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है. और दोस्तों उन्होंने एक वर्क लिखा है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो सेकेंड कमिंग से लिया गया है, ये भी आपको याद रखने की जरूरत होगी. और दोस्तों लास्ट जिस पर मैं आपके साथ बात करूंगा, ये है ओलिवर गोल्डस्मिथ और जॉर्ज क्रैब को लेकर के. ओलिवर गोल्डस्मिथ और जॉर्ज क्रैब ने विलेज पोएम्स लिखी है दोस्तों, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीनियल थीम के साथ, रूरल पोएट्री के साथ डील होती है. एंड देन यू कैन सी दोस्तों गोल्डस्मिथ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं, और ये इंपॉर्टेंट वर्क है, इन्हें भी आपको याद रखना चाहिए. सी स्टूप्स टू कंक्वर, देन यू हैव डिजर्टेड विलेज, एंड दिस वन इज द विकार ऑफ वेकफील्ड. सो दीज आर इंपॉर्टेंट वर्क बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ. तो दोस्तों ये ओलिवर गोल्डस्मिथ के काफी इंपॉर्टेंट वर्क है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो. और दोस्तों अगली वीडियोस में मैं फिर से आपके साथ मिलूंगा कुछ और अच्छे टॉपिक के साथ, बुलेट पॉइंट्स के साथ. जल्दी ही दोस्तों मैं आपके लिए वन लाइनर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा. दोस्तों आप मेरे कोर्सेज को ले सकते हैं ऑन अनअकैडमी प्लस बाय यूजिंग रेफरल कोड. दिस इज माई रेफरल कोड AKSRASBEE. बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट इन योर कोर्सेज. सो यू कैन सब्सक्राइब मी फॉर 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ. एंड देन दोस्तों ये कुछ हमारे प्लान हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ऑनगोइंग कोर्सेज के बैच कोर्स एंड देन कंप्लीट कोर्स. तो दोस्तों जो क्रैश कोर्स है ये अप्रैल में बिगिन होने वाला है. सो अगर आप सब कुछ रिवाइज करना चाहते हैं विद इन टाइम बट प्रैक्टिस, सो दिस विल बी रियली ऑसम कोर्स फॉर यू. सो थैंक यू सो मच दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए. चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. मिलूंगा दोस्तों आपसे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए नमस्कार.